नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल खेती और किसान की बात में। किसान भाइयों, अक्सर यही देखने को मिलता है हमें कि किसान के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं और सरकार जो हमारा बजट पेश करती है हर वर्ष, आज उसके साथ मैं कुछ आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। कोई नहीं चाह रहा कि किसान तरक्की करे, सबका मकसद एक ही है कि किसान को जो खेती पर, जो कृषि पर अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको एक मजदूर की श्रेणी से भी नीचे रखा जाए। तो एक जो बजट दिया जाता है किसान को खेती के लिए, जो सुविधाएं दी जाती है, वो 44,000 करोड़ रुपए किसानों के ऊपर खर्ची नहीं किए गए। 44,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। और अगर 5 साल की मैं बात करूं आंकड़ों की, यानी कि जो बजट किसानों के ऊपर दिया जाता है कि ये आपको पैसे देने हैं, समस्त किसानों के ऊपर खर्च करने हैं, खर्च नहीं किए जाते, वो आंकड़े आज आपके सामने कुछ हैं, आप भी देखें बराबर में स्क्रीन पे भी देखें। देखिएगा 2018 और 19 में जो किसानों के लिए आवंटन किया गया था, 53,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, और जो उसमें से खर्च नहीं किया गया वो 21,043 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए गए। 2019 और 20 के लिए 1,02,000 करोड़ रुपए दिए गए किसानों के लिए, उसमें से 34,517 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। मर जाओ किसान, नहीं देंगे साहब आपको पैसा, बचा के रखेंगे। 2020 और 21 के लिए 1,24,000 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें से 23,824 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। बजट तो हर साल बढ़ता है किसानों का, हम भी देखते हैं कि किसानों के लिए इतने पैसे दिए गए। 2021 और 22 के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें से 5,152 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। 2022 और 23 जो पिछला वर्ष चला गया, 22 और 23 में 1,19,000 रुपए दिए गए थे, 1,19,00,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से 21,005 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं करे गए। और अगर पूरे 5 साल का अगर आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो 1,55,043.72 करोड़ रुपए किसानों को दिए ही नहीं, जिससे लगभग 7-8 बार जो प्रधानमंत्री की किस्त आती है वो दी जा सकती है, इतना पैसा नहीं दिया गया। अगर ये पैसा किसान को दिया गया होता तो किसान की दुर्दशा सुधर जाती, ये कृषि मंत्रालय का सच है। से आंकड़े आने बंद हो गए किसान के लिए, नहीं दिखाए जाते कोई भी आंकड़े। उससे पहले 1971 से और 2015 तक के जो आंकड़े हैं, जो किसान की आय बताते हैं कि इतनी बढ़ गई, वो मात्र, ये मेरे नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। आज सरकार के आंकड़ों के अनुसार आप देखें कि किसान कितना ऊपर है और कितना ऊपर जा सकता है। किसान की जो आय हुई है वो मात्र 19 गुना हुई है, जबकि एक जो कर्मचारी है उसकी, जो सरकारी कर्मचारी है, 120 से 150 गुना हो गई। और जो अफसर लोग होते हैं सरकार में, उनकी 150 से 170 गुना बढ़ गई। और जो सरकारी टीचर है उनकी 230 से 320 गुना तनख्वाह बढ़ गई। किसान की कहां तरक्की हो जाएगी? अगर किसान सक्षम हो गया तो फिर जिया कैसे बोलेगा इनके लिए? अब तक तो हम कांग्रेस को गाली देते आ रहे थे, सपा को गाली देते आ रहे थे, सपा सरकार ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने किसान बर्बाद कर दिया,
अरे भाई आप पे तो विश्वास कर रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सत्ता में आने से पहले आपने बहुत वादे करे थे, जब आपकी सरकार नहीं थी राज्य में या केंद्र में, आप ही वो लोग थे जो किसान के लिए 450 रुपए गन्ना मूल्य की मांग करा करते थे। लेकिन आज तो आप खुद सत्ता में हो, तो आज क्यों नहीं दे देते? और मेरी बात अगर सही लग रही हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा मेरा किसान भाई, तो भाई सब्सक्राइब कर लियो चैनल को और भाई का समर्थन करो। 2014 तक जो किसान को एक बीघे पे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन मिलता था वो मात्र 20-22 हजार रुपए मिलता था, प्राइवेट बैंक उसे 25 हजार तक कर देते थे, जिसपे 3 लाख तक 7% था, अगर कोई उससे ऊपर ले रहा है तो उसको 13% या 12% देना होता था। लेकिन आज एक बीघे पे 50 हजार के आसपास का लोन मिलता है, प्राइवेट बैंक 60-60 हजार रुपए भी दे रहे हैं। लेकिन जो राशि किसान को सक्षम बनाने में थी 3 लाख की, वो तो नहीं बढ़ाई। जब आपने जमीन पे पैसे बढ़ा दिए, लोन बढ़ा दिए, तो 3 लाख को आप कम से कम 5 लाख तक तो पहुंचाते, लेकिन आपकी तो कमाई हो रही, किसान से थोड़ी कमाई करनी है आपको। आपको तो जो 13% लग रहा वो 3 लाख से ऊपर वो बढ़ाना, बस किसान तो हर बार इसी आस में रह जाएगा कि ये सरकार अच्छी नहीं से ले आओ, ये सरकार अच्छी नहीं अच्छी ले आओ। लेकिन मेरे किसान भाई जो इतना ही निवेदन है भाई, आवाज उठा लो, और जब तक कोई किसान का बच्चा अच्छी कुर्सी पर नहीं बैठने का, तब तक किसान का भला नहीं होने का। हमारे बीच से हमारे विधायक हमारे सांसद चुन के जावे, ठीक है किसान परिवार से हैं, लेकिन ये 5 साल में इन्हें इतनी ऐसो आराम मिल जाए कि किसान को तो कीड़ा मकोड़ा समझे और केवल एक वोट बैंक रह गया बन के, कि अगर ये सक्षम हो गया तो किसकी जय बोलेगा। और 6:05 पर मैं अपनी वीडियो डालूंगा, अब बात सही लग रही है तो किसान भाइयों समर्थन करियो अपने भाई का, सब्सक्राइब करियो चैनल को, आप कमेंट में बताइयो बात सही कह रहे हम या गलत कह रहे, ये भी तो पता लगना चाहिए। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।